मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में संबंध में जागरूकता शिविर तथा महिला जनसुनवाई का कार्यक्रम राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के इस चरण में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों एवं साइबर अपराधों को केंद्र बिंदु बनाकर जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसके संबंध में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें महिला कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांग जन कल्याण, शिक्षा, समाज कल्याण, पुलिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्रामीण एवं नगरीय आजीविका मिशन द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं तथा उनकी वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को केंद्र बिंदु बनाकर जागरूकता का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिलाओं की जन सुनवाई की गई, जिसमें कुल 10 महिलाओं के मामले आए। सभी महिलाओं की समस्याओं को सुना गया तथा उनके त्वरित निराकरण कर उचित कार्रवाई की गई। इस जागरूकता शिविर एवं महिला जनसुनवाई कार्यक्रम में उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती अंजू चौधरी के साथ साथ जिला प्रमोशन अधिकारी सरजीत सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र कुमार द्वितीय, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, महिला कल्याण अधिकारी श्रीमती तोहिना दास गुप्ता, केंद्र प्रबंधक वन स्टॉप सेंटर श्रीमती पूजा पांडे सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, बहुत महिलाएं आती है जो हमारे संस्था में, तो उसमें ये भी क्राइटेरिया होता है कि वो जनपद की होने चाहिए, निवासी होने चाहिए। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोग का पेंशन सिस्टम में चाहे ओल्डेज हो चाहे अपना विडो हो, 5 साल का ये हम लोग की उपलब्धि रही है, 65,000 हो गया है। तो हम लोगों ने मैक्सिमम को कवर करने का प्रयास किया है और लगभग ये डबल ओल्डेज तो डबल से भी ज़्यादा हो गया है, कई जगह ये हो रहा है जाने में डिले हो जाता है और पता चलता है कि लोग किसी साथ में चली गई और उसके बाद लंबा इंटरवल हो गया, तो मैं जो पेंशनर है तो उनकी शिकायत होती है हमारा किस्त आया नहीं। जैसे मैं अभी उदाहरण बता रहा हूँ, अभी दिसंबर में ही किस्त गई है, जिससे किस्त गई है उनकी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गंगा सुध मांगने मुख्यमंत्री द्वारा उसके बाल सेवा योजना जो कोविड बसों को हम लोग स्वीकृत कर दिया है और बाकी सम्मान कोष में मैं हम लोगों ने 42 उसमें जो हमारा आवेदन रहा है, लेकिन आप क्लियर कर देते हैं जिस तरह बता दूंगा। इसके अलावा मैं सम्मान कोष चलता है माननीय मुख्यमंत्री जी के, मुख्यमंत्री महिला बाल सम्मान कोष, पहले तो मॉडल के रूप में तैयार किया जाए कुछ समूहों को, तो हर गांव में 2 समूह को चिन्हित करके उनको मनरेगा से जोड़ करके समूह की 10 महिलाओं को, कम से कम 10 महिलाओं को 20 दिन का रोजगार देने का उसमें प्रावधान किया है कि इनके आय सृजन हो। उसके बाद उन्हीं 2 समूहों के महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट करना है, ट्रेनिंग देना है। हाँ मैम, ये जो बता रहे ये क्रियान्वित हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ, इसको मतलब ये बनाया गया है कि इसको टारगेट बेस्ड करके उनको फोकस करके इन हमारे 1294 ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत में 2 समूह को लिया गया है, तो इन सब हाँ उनका पूरा फॉलो में चिन्हित किया गया है और उनको क्या क्या लाभ दिया जा रहा है। उसमें तीन जो यहाँ पे जिले स्तर से हमें हाँ उसमें मैम 3 चीज़ों को फोकस किया गया है। पहला चीज़ तो यह है कि उन दोनों समूह की महिलाओं को मनरेगा से जोड़ना है, जिससे कि उनका आज सृजन प्रशिक्षण के लिए इंटरेस्टेड है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, ब्यूटिशियन हो, उनका बैच बना करके उनको ट्रेनिंग देकर के समूह से लोन देकर के उनको उनका रोजगार स्टेब्लिश करना। 2 चीज़ें ये थी तो 6,000 रुपया मिल रहा है। नहीं मैम, वो दूसरी चीज़ है, वो शौचालय जो चलाती है उनको दे। शौचालय तो एक समूह को रोजगार के रूप में शौचालय दे दिया गया है, उसमें 6,000 प्लस 3,000 में 6,000 रुपया समूह को आय के रूप में, 3,000 रुपया उस शौचालय की देख रेख के लिए। जबकि विधवा हो या
गरीब हो ऐसा हो। मैं दो चीजें मैं बता रहा हूँ मैम, उसमें आ गया रहा हूँ, उसमें हो गया रहा कि चुनाव के पहले इसका चयन हुआ था। जो राज्य महिला आयोग से अलावा राष्ट्र महिला आयोग से डिजिटल से जो प्रार्थना पत्र आए वो 21 प्रार्थना पत्र आए थे, उसमें से 205 का निस्तारण हो चुका है और 26 अभी निस्तारण के लिए बचे हुए हैं, शेष प्रार्थना पत्र भी बचे हुए हैं। किस तरीके का माफ है नेशनल लेवल पर कौन सा किस तरीके का मैम? ये तो नहीं है, पर जो आते हैं ब्रॉडली या तो गुरुपुर जनपद का आपके पास आता है? हाँ सर, मैं गुरुपुर जनपद का ही पूरा डेटा है। कितने कितने आए हैं नेशनल लेवल पर? अपने आगे महिला आयोग का तो कौन जानते हैं? नेशनल लेवल पर 231 आए हैं। बट व्हाट आर दे मोस्टली नेशनल लेवल पर आता है, किस किस चीज से आता है ये इसका क्या है? आपको अभी नहीं आई है पुराना कोई है? मैं अंजू चौधरी राजमहिला आयोग के उपाध्यक्ष, आज पहली बार गोरखपुर में महिलाओं की पीड़ा सुनने के लिए विशेष रूप से जो हमारी जनसुनवाई है उसका कार्यक्रम रखा है और साथ ही साथ उसके पूर्व हमने बैठक रखा था जिसमें कि 10 डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, हमारे मैनेजर साहब भी साथ में आए हैं, हमारी तहसीलदार, हमारी CO, हमारी महिला थाना की और प्रत्येक विभाग से, समाज कल्याण विभाग से हमारे DPO और अल्पसंख्यक विभाग, दिव्यांग विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग, न्याय विभाग, कौशल विकास योजना विभाग और ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग, इन सभी विभागों से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और हेड्स भी आए हैं। और अभी तक हम लोगों ने अपनी समीक्षा बैठक में मैंने सबका रिपोर्ट लिया है, साल भर का पिछले साल का रिपोर्ट लिया है और उसमें कुछ खामियां मुझे नज़र आई जो कि ज़्यादा एग्जैजुरेशन था तो उसको करेक्ट करने के बोला है और फाइल मंगवाई है कि मैं फ़ाइल देखना चाहूँगी। तो मोस्टली मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सब विभाग में काम सही चल रहा है कि नहीं, सरकार द्वारा दिए गए योजनाओं को लागू किया है तो कितना लागू किया है, उसमें क्या क्या हो रहा है। उसके बाद हमारी लगभग 10 मामले आए हैं जो कि जनसुनवाई के लिए, तो हम लोग सब यहाँ बैठे हैं हर एक डिपार्टमेंट के, उनको सबको न्याय दिलाएंगे यही हमारा उद्देश्य है और त्वरित न्याय दिलाना ये हम लोगों का, जब जनसुनवाई मैं करती हूँ तो यही होता है कि जहाँ का जो भी मामला होता है उसे डायरेक्ट बात कर करके समझती हूँ कि वो मामला का कैसे निस्तारण हो और यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। तो जहाँ तक कि अभी तक इस समीक्षा बैठक में मुझे अंदाज लगा है कि घरेलू हिंसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए हम महिलाएं ज़्यादा यहाँ बैठी हैं तो उन्हीं से पूछेंगे कि क्या हम उसका निस्तारण करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम समाज में कैसे माहौल बनाएं और कैसे इस बात को भेजें। और न्यायिक विभाग से ज़्यादा तो कंप्लेन मिलता था कि बहुत दिनों तक न्याय नहीं मिलता है, बहुत दिन तक मुकदमा चलता रहता है तो उसमें जो पीड़िता होती है उसके लिए उतना खर्चा वहन करना बहुत मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर आपने बताया, जैसा हमने बताया कि 3 बेंच बैठते हैं जो कि फ्री लिटिगेशंस को मैनेज करते हैं और 22 जनवरी को ये बड़े खुशी की बात है कि लोक अदालत यहाँ पर इसका अमृत महोत्सव के तहत उसका आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि त्वरित वहीं के वहीं लोक अदालत में जो तय कर देगा, जो न्याय मिलेगा उसके बाद आगे कुछ नहीं है। तो ये इसका लाभ हमारी बहनें विशेष रूप से उसको उठाएं, बेटियां विशेष रूप से उठाएं, ऐसा मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है और हमको
इस तरीके के जो हमारी समस्याओं का बैठक होता है, इसमें बहुत सारी बातें उभर के सामने आती हैं और बहुत सारी गाइडेंस हम दे पाते हैं और उनको एक्सपीरियंस बता पाते हैं और उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं। तो यही मुख्य उद्देश्य रहा आज और यही अभी हम आगे इसका मीटिंग कंटिन्यू करेंगे अभी।